अंग है। तरुणी विकट व्योम लोहित धराय अब भरा है, प्रभंजल तूफानी उमंग है। अथक शक्ति सागर उजागर किया, गर्वित भूकंप कंप तरुणित तरंग है। अरे रंगत भरी उस जवा की जवानी में, लोहू लहरता सदा यंग यंग है। कभी एक बात लिखलन कि रंगत भरी उस जवा की जवानी में, लोहू लहरता सदा अंग अंग है। एक ठे गजल का नमूना बा, वह बा कि अरे चूड़ी मजान देगी देगी, हे कि अरे चूड़ी मजान देगी देगी, अरे कंगन मजान देगा। और एक लाइन हो कि अरे चूड़ी मजान देगी देगी, कंगन मजान देगा। हर साजन बिना है गोरी गोरी, सावन मजान देगा। तर्ज वाले किन गाने का भाव है क्या, गाने का भाव है, कवि लिखे हैं क्या है कि अरे तेरी भी है जवानी तो, कि अरे तेरी भी है जवानी तो, मेरी भी है जवानी, तेरी भी है जवानी तो, मेरी भी है जवानी, तेरी भी है जवानी तो, मेरी भी है जवानी, तेरी भी है जवानी तो, मेरी है जवानी। अरे तेरी भी है जवानी तो, मेरी भी है जवानी। अरे देखेंगे आज जंग में कि, अरे देखेंगे आज जंग में किस में है कितना पानी, देखेंगे आज जंग में है कितना पानी, देखेंगे आज जंग में है कितना पानी, देखेंगे आज जंग में। तेरी भी है जवानी तो, मेरी भी है जवानी, और देखेंगे आज जंग में किस में है कितना पानी। कहानी का शुरुआत बस सुन ला, कहानी का शुरुआत बा कि अरे मिट्टी बना दिया जो जवानी को जंग में, कि अरे मिट्टी बना दिया जो जवानी को जंग में, हर सरबाद कफन चल दिए लहू के रंग में। एकदम अस्थाई बांध के कि सरबाद कफन चल दिए लहू के रंग में। ये बात कहां की है सुनेंगे आप, जब हमारे पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की शासन व्यवस्था थी, अंग्रेज हमारे छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को फेंक करके भाले के नोक पर लोक लेते थे, माताओं और बहनों की इज्जत से खेलते थे, लेकिन फिर भी मेरे क्रांतिकारी जवानों का साहस कम न हुआ। अगर कदम आगे बढ़ गया तो पीछे नहीं हटा, हंसते हंसते फांसी के तख्ते को सावन का झूला समझकर चूम लेते थे, लेकिन भारत माता के दामन में दाग नहीं लगने देते थे। उन्हीं जवानों में एक जवान था, कौन सुनेंगे आप, क्रांति में था मिर्जापुर का रणजीत दुलारा, लगाया इनकलाब जिंदाबाद का नारा, लगाया इनकलाब जिंदाबाद का नारा। रणजीत एक क्रांतिकारी जवान था मिर्जापुर का, उसका परिचय सुने, घरेलू परिचय, किरण जीत की अर्धांगिनी थी विमला कुमारी, थे जय विजय दो लाल बेटी सुमन दुलारी, थे जय विजय दो लाल बेटी सुमन दुलारी। रणजीत सिंह की एक पत्नी जिसका नाम था विमला, और विमला के तीन बच्चे, एक नौजवान लड़की जिसका नाम था सुमन, दो छोटे छोटे जय विजय लड़का। एक उसी वक्त अंग्रेज अधिकारी था उस थाने पर जिसका नाम क्या था सुनेंगे, उस वक्त जेपी टॉमसन गद्दार बना था, अंग्रेजों का कप्तान जो मक्कार बना था, अंग्रेजों का कप्तान जो मक्कार बना था। एक रोज घर से चल पड़े क्रांति की गठन में, एक रोज घर से चल पड़े क्रांति की गठन में, थाना फूकेंगे मिर्जापुर भर जंग बदन में। एक दिन रणजीत सिंह क्रांतिकारी के टोली लेकर तैयारी के लिए कि आज थाना मिर्जापुर हम लोग फूकेंगे, और जब जवान चल रहलन तो गांव के बाहर जाकर ये राय प्लान बना लगे क्रांतिकारी सब, तब तक उसी गांव का एक गद्दार
उसी गांव का एक गद्दार पहले पहुंच गया थाने पर, जाकर जेपी टॉमसन अंग्रेज अधिकारी को खबर दे दिया, करे सरकार आप मौज लिए बैठे हैं, मौज लेने के लिए बैठे हैं, तो मौज में मौत को मत भूलिए, मौज में मौत को मत भूलिए। अरे वो हमारे गांव का क्रांतिकारी रणजीत सिंह अपनी टोली लेकर आ रहा है आपके थाने को फूकने के लिए। चौकन्ना हो गया जेपी टॉमसन, सैनिकों को सिपाहियों को आरी आरी घेराबंदी करवा दिया, रेडी हो गए सैनिक सब, सिपाही सब तैयार हो गए। लेकिन तब तक क्रांतिकारी जवानों का टोली थाना पर पहुंचवे कई, अगुवाई वही रणजीत सिंह कर रहा, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय नारे के साथ जवानों ये सब गीत क्या गा रहे हैं, तर्ज के बात नहीं बड़के दाद। फिल्म का नाम बा गंगा यमुना सरस्वती। भैया धीरे से वही रख कि अरे आने वाले आ गए, कि अब आने वाले आ गए, अरे आने वाले आ गए, अचूड़िया खन की खनकाने वाले आ गए। लेकिन जवानन का टोली जब पहुंचल थाना पर तक कवन गीत गावत है, कि अरे आने वाले आ गए, कि अरे आने वाले आ गए, कि अरे आने वाले आ गए, कि अब आने वाले आ गए, कि अरे झंडा के सरिया लहराने वाले आ गए, झंडा के सरिया आ गए। लेकिन जवान सब गावत का हवन, कि अब तो थाना फूकेंगे, सिपाही तैनात हवन अगल बगल से। लेकिन जवान गावत का जात हवन, कि अब तो थाना फूकेंगे, अरे कभी ना झुकेंगे, मरेंगे मिटेंगे कभी ना रुकेंगे। हर सीमा पे गर्दन कटाने वाले आ गए, आने वाले आ गए, अरे आने वाले आ गए, ठंडा के सरिया लहराने वाले आ गए। भैया यही तरह गावत जवान जब थानवा में पहुंच गेलन, तो जेपी टॉमसन का सिपाही चौकन्ना रहबा कैलन, कैलन का तनी हाई देखा, तर्ज एक बदल गेल ना मास्टर, हर जवाब है बा जन पहले लोग गाँव में, कि अरे सिकिया कन्हैया बनवला कन्हैया तदिहल जमुना में, कि अरे सिकिया कन्हैया बनवला कन्हैया तदिहल जमुना में, हर छोड़े गोइया दिहल जमुना में, छोड़े गोइया दिहल जमुना में। थाना का भाव है, जेपी टॉमसन ललकार दिया सिपाहियों को, अंग्रेज सिपाही कैलन का, कि अरे सुन कर के बतिया धरा की गईली छतिया की लागल बदनिये में, हरे आ गए पपिया लागल बदनिये में, जबरी से काट लिया बिरवा का सिरवा की बिमला का लुटल, हरे सोहा गए पपिया बिमला का लुटल। पहली गलती किया रणजीत सिंह का, गर्दन कटवा लिया जेपी टॉमसन। देखें दूसरी गलती करने जा रहा है कि गर्दन अपने हाथ में लेकर के जेपी टॉमसन जो है रणजीत सिंह का
पहुंचा है उनके घर रणजीत सिंह के। और जब रणजीत सिंह के घर पहुंचता है, विमला देवी अपने दरवाजे पर बैठी थी, पति का गर्जन जब देखती है आंख से आंसू छलछला गई। माई की रुआई सुन करके जवान बिटिया सुमन घर में से निकलल। जवान बिटिया सुमन पर नजर जब जेपी टॉमसन का पड़ल तो तीसरी गलती करने जा रहा है बाबूजी। कि अरे बिटिया सुमन कहु बन के भंवरवा की दिहल से चुनरिये में हर दागे पपिया दिहल से चुनरिये में। माई देख करके रोवत है दोनों तरफ से गई। यहाँ बड़ा कार्मिक दृश्य कवि दिए हैं सरदार। किर बिमला बिमुखा पाती देवता बिमुखा भैले कि दुख भैले मनावा में अब रोवे बिरहिनिया कि एकत गयल मोरे मांगी के सिंगारावा हो अरे दूसरे गयल बेटी सुमना कपनिया। एक दिन वो लड़की अपने जिंदगी से ऊब करके रात को चोरी चोरी खिड़की के रास्ते सुमन लड़की निकल जाती है कि जब मेरी इज्जत नहीं समाज में तो मैं रहकर क्या करूंगी। वो लड़की एक दिन रात को चोरी चोरी बगल में एक नदी थी, डूबकर जान देने के लिए जा रही थी मेरे बाबूजी। 12 बजे रात को लड़की अकेले रास्ते से नदी में डूबने के लिए जा रही है। बनारस शहर की एक मीना नाम की तवाब कहीं से अपना नाच गाना करके पूरी समाज के साथ आ रही थी। उसी रास्ते से लड़की से रास्ते में मुलाकात होती है। किसी तरह से उसे बचा करके वो मीना नाम की तवायब उस लड़की सुमन को अपने यहाँ बनारस शहर कोठे पर लाती है। धीरे धीरे नाच गाना उसे सिखाने लगी। कुछ दिन के बाद वही रणजीत की लड़की सुमन बनारस शहर में उस तवायब मीना के यहाँ एक बड़ी सुंदर तवायब बन गई, जिसका नाम का पड़ा बाबूजी सुनेंगे आप। मीना बाई सांगावा में अरे बनारस में आई गईली अरे कोठवा का बुलबुल भैली सुमन बीती निया। बाबूजी तो इधर की बात इधर छोड़ें। अब धीरे धीरे बनारस शहर में वो सुमन बाई जो है एक मशहूरी प्राप्त करती, बड़ी अच्छी नर्तकी बन गई, प्रसिद्धि पाती है। जरा उसके दो लाइन प्रसिद्धि का भाव है कि बनारस शहर में वो कितना नाम करती है सुमन बाई के नाम से वो लड़की। तरंगल बड़ के दादा मास्टर तर्ज बैठे तर्ज है बाहर खा गईलू कि अब खा गईलू लंगड़ाया मकाम कही आई बुझी रही कि अरे लागे ला जो बनावा पघाम काम कही आई बुझी रही लागे ला जो बनावा पघाम काम कही आई बुझी रही। इधर तो लड़की जो बात सुमन बनारस शहर में सुमन बाई के नाम से बड़ी अच्छी प्रसिद्धि पाती है, एक अच्छी नर्तकी बन गई, तवायब बन गई लड़के बस छोड़ा। यार धीरे धीरे रणजीत सिंह के दोनों लड़कवा जय विजय जब सयान भैलन है तो एक दिन अपने माई विमला से पूछलन कि रे माई जब से हम लोगन होश संभल जा तब बाबू का चेहरा नहीं देख लीजिए, बाबू कहाँ हमन। अरे माई बाबू कहाँ हमन। विमला माई रोवे लगल कि बचवा जवन आग जल के बुझ गई बा, वो आग के फिर से मत जलावा। दोनों जय विजय लड़कवा कहन कि माई बता दे अगर बाबू पाताल में होइहन तब पाताल से भी लियावल जाई, आकाश में होइहन आकाश से लियावल जाई, लेकिन बता दा कि बाबू कहाँ हमन। तो दोनों लड़कवा अपने माई विमला से पूछत हमन, दोनों लड़कवा पूछत हमन तर्ज एक ठे बार एक ठे ट्रक का ड्राइवर एक ठे ट्रक का ड्राइवर अपन ट्रक ले जा करके एक पान वाली की दुकान पर लगा देहलन और ओकरे दुकान पर लगा करके पैसा कहलन कि पान दा।
और टुकुर टुकुर पान वाली के तरफ ताकत हवन तो पान वाली उनके समझाव थे का समझौल कि अरे भीड़ भारी संभलने के चलावा बचावा बचावा ड्राइवर बाबू हरे ड्राइवर बाबू तू भोपू बजावा ड्राइवर बाबू तू भोपू गीत गायक कि दोनों लड़कवा पूछत हवन कि अरे माई विमला तू हमके बतावा अरे कहावा बाबूजी गईला सुनावा अरे कहावा बाबूजी गईला सुनावा सुनावा मोरे माई तुभे दवा बतावा माई रो लगा कि बचवा अरे का पूछ देला अगर पूछला तो सुनला पिन बढ़ा दे मास्टर खियर संदूर की लाली काली पड़ गई खियर जब से जे पिताम सन अरे बचवा एक बात सुनला ये थाने पर आज जे पिताम सन है जो थाने पर आज जे पिताम सन अधिकारी है वही एक दिन किया खरे बेटा कि अरे जब से जेपी तामसन किया चमन को खाली हरे सिंदूर की लाली काली पड़ गई बचवा तेरी एक बहन थी जिसका नाम था सुमन एक दिन उसकी इज्जत लूट लिया मालूम नहीं वो कहां चल गई तेरे बाप क्रांतिकारी थे रणजीत उनका गर्दन कटवा लिया इतना बतिया जब दोनों लड़कवा जय विजय सुल्लन मेरे बाबू जी चल दिए गुस्सा में बाप का बदला लेने के लिए जेपी तामसन की तरफ उस थाने की तरफ तक गाना ही से मोड़ ले लिया बीर की तरफ एक बत्ती और बढ़ा दा कि अरे जय जात जात जय विजय हिंद का नारा गजब लगाए हैं अरे बागी बन बागी का बदला कर रक्षक मार गया तो भारत माँ शर्मिंदा है सबर करो हे माँ मेरी दो लाल तुम्हारे जिंदा हैं दोनों लड़के चल दिए कसम खाकर के माँ तेरे चरणों की सौगंध है आज जब दोनों लड़कवा बाप का बदला ले चल रहन तो भैल का फिल्म का नाम बा दुल्हा गंगा पार कर लेकिन तर्जवा सुनत हवा तनी गनवा के बतिया सुना जब दोनों लड़कवा चलन तो भैल का ए दोनों लड़कवा बाप का बदला ले बदे जब थाने की तरफ गईलन जेपी टांसन अधिकारी के पास तक का कैलन कि अरे जुझार भइल है बागी कि अब जुझार भइल है बागी अरे जुझार भइल है बागी बम विस्फोट किए थाने पर टमसन था चौकन्ना अब बम विस्फोट किए थाने पर टमसन था चौकन्ना अरे पकड़ गए दोनों बालक फट गया मौत का पन्ना जुझार भइले बागी अब जुझार भइले हो बम विस्फोट ठीक थाने पर किए सब लेकिन वार खाली गया दोनों बच्चे जय विजय पकड़ लिए गए और जय विजय को अंग्रेज उठाकर जेल के अंदर बंद कर दिए बनारस शहर में ही और जब दोनों लड़कवा भी बंद हो गईलन तो अब चले तनी बनारस शहर में सुमन बाई के पास ये तो कोठा पर मजरा करके मौज ले रहल बा तो तर्जवाब हो आ गेल जौने बेरी मैकवा बिगड़ल रहल अरे खा गईलू कि अरे खा गईलू लंगड़ाया मकाम कहिया आई बुची रही जवनिया हर लागला जो बनावा पघाम काम कही आई बुची रही
दूसर की लेनी आ कि अरे ये गोरिया तोरी आई बुढ़ौती बुढ़ौती अरे सुखल शरीर या कच्चा मकाम कहिया आई अरे सुखल शरीर या कच्चा मकाम कहिया आई लेकिन तरी गाना के बात सुने चले बनारस शहर कोठा पर भयल कि अरे शहर बनारस चमक वाला सहो कोठावा की कोयलिया तीस देख गई नजर नवा अज्जा बीजा से रहला अच्छा दोसर तनवा अरे बतिया ही बतिया बतवल सहो कोठवा की कोयलिया। सतीश नाम का एक जवान था जो मौजी मिजाज का था। रोज मुजरा सुना बदे कोठे पर बनारस शहर जाए। एक दिन जब सुमन बाई के यहाँ पहुंचल हो तो बात बात में उसे दोस्ती भईल। पूछता है करे तू कौन है, तू तो अच्छे घराने की लड़की लगती है, कैसे तू तवाइफ बन गई। वो सुमन अपनी पूरी स्थिति बताती है कि मैं यही मिर्जापुर के रणजीत सिंह जो क्रांतिकारी थे उनकी उनकी लड़की हूँ। अंग्रेज जे पी टॉमसन मेरी इज्जत लूट लिया, मैं नदी में डूबकर जान देने जा रही थी, ये मीना तवायफ मुझे यहाँ भका करके लाई और तवायफ बना दी। सतीश उस नौजवान से जय और विजय की दोस्ती चलती थी। सोच गया करे जय विजय की ये तो बहन है। बताया कि अरे सुमन तू वही सुमन है, तेरे भाई जय और विजय क्रांतिकारी बन चुके हैं, बम विस्फोट किए थे बाप का बदला लेने के लिए लेकिन असफल रहे, आज इसी जेल के अंदर बंद हैं। मेरे बाबूजी सुमन लड़की अपने भाइयों को बंद होने की बात जब सुनती है तो अपने दोनों भाइयों को घात लगाकर जेल से छुड़ाने के लिए चल देती है। लेकिन जब कोठे से वो लड़की चलती है सुमन तो अपना श्रृंगार कैसे करती है जरा देखें, सौंदर्य वर्णन है कि वो लड़की श्रृंगार कैसे करती है जब छुड़ाने के लिए जा रही है। तो सुनेंगे आप कि अरे बबुनी नथुनी सजनी पहिनी अखिया में कजरा लगाई हली एकदम काजर है जब टेढ़ खुनी घुमावल और कौन कौन चीज श्रृंगार कैल है। कि अरे बबुनी नथुनी सजनी पहिनी अखिया में कजरा लगाई हली और का कैली कि अरे कजरा गजरा या चरा फरके गदरा या लगाल सजाई हली गलवा तो निक लगब करे वही पर तनक हेजल लाल खुनी रंग लगा ले और का कैले कि अरे श्रृंगार बेकार कर जियारा लोट चोटी सी लटकाली हली हर टाउन सन के बंगला पर जाई के गोरी रे अपन जुलमी पायल चमकाए भैया जहां जेपी टॉमसन का बंगला रहल बगल में साज समाज खोल करके और नाच गाना शुरू कर दल। और जब साज समाज बजल हो एकदम गनगनाहट आवाज जब जेपी टॉमसन के कान में गई बंगला में तो का भल सुना कि अरे बजल साज काजल से सजल नया नवा बुला बुला कोठे के हर छेर लागी बंगला पे तरा नवा बुलबुल कोठे के नर्तन को बुलावाया है तरह तरह की धुन तर्ज की फरमाइश करवाया है अरे नाच दिल में लेकर के सब पनावा बुला बुले कोठे के और नाच और करावा मदिरा पनावा बुल बुले कोठे के। सिपाहियों से कहता है कि सुनो अरे वहां वो कौन से नाच रही है उसे लिया कर बंगले में नचाओ जरा मैं भी मजा लूंगा। बोला लहल गई बंगला में महफिल लग गई कुर्सी पर बैठ गेलन सब अंग्रेज अधिकारी अगल बगल में और छोटे छोटे अधिकारी पहुंच गेलन और जब बीचे में नाचे लगल बोतल जौन बा खुल गल मेजे पर और उ करे का उ जौन रहल मीना ए सुमन ए नर्तकी नाचत नाचत आवे और गिलसिया में एक पैक शराब उड़ेल के और जेपी टॉमसन के कोरवा में गप सुनाइत कर बैठ जाए और बैठ के तने कर पियाए दे
पीते पीते ऐसे हुआ क्या कि अरे पी के शराब दिए पीता हम सन गई ला जब पगल आई हो ठीक कटोरी गई सिघानी उसके पास हमें आई हो अरे कटोरी अपने दुश्मन का गर्दन वा बुला बुला कोठे के और जे कर बंदी बात दुई बीरा नवा बुला बुला कोठे के एकदम जब लुड़कल कटारी खींच मरला हचाक से गर्दन कट गल और जब गर्दन कट गल लेके गर्दनवा लड़की भगल चाहते तब का उसका तब तक उसका एक असिस्टेंट अधिकारी था जिसका नाम था किशन फोर्ड आदेश दे दिया कि घेर लो लड़की को भागने ना पाए चारों तरफ से लड़की घेर ली जाती है जेपी टॉमसन का गर्दन उसके हाथ में है देखें जब लड़की पकड़ ली गई तो क्या हुआ जब लड़की पकड़ ली जाती है उसके हाथ में जेपी टॉमसन का गर्दन है आल्हा तो नहीं बदलता है एकदम से नौका आल्हा हो जा यही देश सवा मेरे भैली झांसी वाली रानी रे भैया हाँ यही देश सवा मेरे भैली झांसी वाली रानी रे भैया सत्य का पताका देहली जग में लहराया अरे यही देश सवा मेरे भैले राणा सिवा दिया रे भैया यही देश सवा मेरे भैले अरे वो लड़की घेर ली जाती है अंग्रेजों के हाथ में पकड़ ली जाती है तो अंग्रेज सब कैलन का वो लड़की के साथ तनी सदर आल्हा का प्रमाण है कि अरे बर्फ के स्लीप लिटा के मारे पपिया अरे कोड़ावा से मार मारी कई देला बेकार है अब छरा छरा खुनावा बहला देहिया से है अरे ऊपरा से दहला नमक मरचा दरवाए मारते मारते कोड़े से लड़की के शरीर से छरछर छरछर खून बहत हो नमक और मर्चा दरवा दिए सब पूछते हैं कि बता दे तू क्रांतिकारी है क्रांतिकारियों का अड्डा बताएगी लड़की मैं कुछ नहीं जानती हूँ लड़की कहती मैं कुछ नहीं जानती हूँ काट लिया हूँ बाप का गर्दन चुका लिया हूँ ए बाप का बदला चुका लिया हूँ जेपी टॉमसन का गर्दन काट करके लेकिन जब तक ही गर्दनवा दुश्मन का अपने माई विमला के न दिखाई तो कटले का हो लड़की एक उपाय करती है किंगसन फोर्ड से कह रही है क्या कि अरे तोरे जलावा में जितना बाटा कुल कैदी कि अरे सब ही से भेटिया न देवा करवाए अरे सुन ले किंगसन फोर्ड तेरे जेल के अंदर जितने कैदी हैं सबसे मुलाकात करवा दो मैं क्रांतिकारियों का अड्डा बता दूंगी उन्हें पकड़वा भी दूंगी ये झूठी बात लड़की कहती है आदेश दे दिया किंगसन फोर्ड जब लड़की जेल के अंदर जाने लगी है अपने दोनों भाइयों से मुलाकात करने के लिए बाबूजी तो दोनों भाइयों को इसके पहले ही मालूम हो चुका था कि मेरे बहन सुमन को सब बर्फ के सिल्ली पे लिटा करके बुरी तरह से अंग्रेज मार रहे हैं यही बात सोचते सोचते दोनों भाई जेल के अंदर बैरक में हुए क्या थे बाबू जब सुमन लड़की उन सबन के पास पहुंचल तब कि अरे गई जेल के अंदर बहावत यसियारे पवली कोठे का कोई लिया बिरन का लसिया फिर वहां से बहन रोती हुई वापस आती है बाहर जेल के अंदर ये जेल के अंदर से बाहर और किंगसन फोर्ड से कहती है क्या कि अरे बोली अंग्रेजवन से बहिना बन दुखाई कि बोली अंग्रेजवन से बहिना बन दुखाई आ हमारे घरवा में चौदह छिपे क्रांतिकारी अरे चली के क्रांतिकारी इनका पकड़ी ला नसिया हपवली कोठे का कोई लिया बिरन का लसिया कहला अंग्रेजन से कि चला हमारे घर में चौदह क्रांतिकारी छिपल हम पकड़ लाऊं सुमन के पकड़ कर गोली सुन सुमन के उड़ा दा लेकिन एक बात हो कि आगे आगे जेपी टॉमसन का गर्दन लेकर के हम चला पीछे पीछे तू लोगन आया और पीछे पीछे तू लोगन आया और जब हम अंदर लेकर के गर्दन जाप जेपी टॉमसन के क्रांतिकारी देखिए दौड़ करके हन आप लोगन उन्हें पकड़ लिया अंग्रेज बहुत खुश हुए आगे आगे वो लड़की जेपी टॉमसन का गर्दन लेकर चलती है अपने दरवाजे पर पहुँच कर अंग्रेजों को अगल बगल खड़ा करा देती है अपने अंदर गई वो कोठरी में गई जौने कोठरी में माई विमला रोवत रहली अपनी बिटिया सुमन के देखलिन दौड़ कर छाती से लगा लेलिन बिटिया के हाथे में अपने दुश्मन का गर्दन देखलिन और खुश भइलिन लेकिन माई और बिटिया एक बात सोचत हिन कौन चीज़
कि सीरा ला देखा तमाई का जुड़ाए गई छतिया। लेकिन जब सवाल आया कि दरवाजे पर अंग्रेज हैं तो हम लोगों को गोली से दाग देंगे, तो दोनों माई और बिटिया को ठरिया के अंदर कैलिन खा बाबू जी कि सीरा ला देखा तमाई का जुड़ाए गई छतिया, अब मारी के कटारी मरी गई माई बिटिया। अंग्रेजवन की गोली से न मरे के अपने आप ही कोठरी के अंदर दोनों माई बिटिया चाकू भों करके पेट में अपना प्राणांत कर देती है बाबूजी। तो लास्ट में कभी एक बात लिखे कि अरे इनकलाब जिंदा बाज बाजल बसी आरे पवली, अरे कोठे का कोयली आचिता करती। देखें जय बजरंग हो गई बाला, राम लाल गुरु बच्चन चंद्रिका जी को पिहाई माला, हरे सिंदूर की लाली काली पड़ गई, अरे बेचर प्यारे लाल का रक्षक मैहर वाली सिंदूर की लाली काली। सकता है धरती वीरान हो जाए। मेरे साथी हम कैलाश
अरे जवन सरकार से जवन मालिक से तो उन्हें हो पान कैसे रिकॉर्डिंग सेंटर पांच सवार पर लगी देता बाजा के संघर्ष चोर हलन जौहरी संवाद कहानी कई जगह से शुरुआत हो गई की धरती बहादुर बनता है चैलेंज के सुन के हमारे देश के पहलवान हमारे देश के नेता यही सोचते सोचते क्या है एक लाइन गीत हो सैया सैया काहे डालल हमरा के या फतिया का काहे डालल हमरा के या फतिया राम सवतिया लिया के घरवा ये गीत थो लेकिन हमारे देश के पहलवान सोचते हैं दसुन के अरे थाना भारत दंगल के ये लनवा दसुन के थाना भारत दंगल के ये लनवा सवन मजाल लाल की लवी अरे सुन के
सोचे ते सोचे ये समय पत्थर पहल बनवारा सोचे समय पत्थर पहल बनवारा जमन मजाल लाल किलावा। हमारे देश के मेरे साथी जितने पहलवान रहते हैं दिल्ली में लाल किला के मैदान में चले जाते हैं, कहां कहां के पहलवान जाते हैं, पहलवान के नाम सुन लो। अरे पिवाला बाघ बिहार वाला सेरावा वाला पीरावा ढक्कन हरियाणा रे पंजाब वाला बीरवा चलनन बिसमहर और लाखा पहलवानवारन चवनवा जललाल किलावा। मेरे साथी पहलवान का नाम आप सब भाई सुन लीजिए, कौन कौन पहलवान थे। हरियाणा के जगदम्बा पहलवान, बिहार से लाखा पहलवान और यूपी के वजाहिद पहलवान, पंजाब के बिसमहर पहलवान, मेरे साथी चार पहलवान दिल्ली में लाल किला का मैदान में चले जाते हैं। जाने के बाद होता क्या है, हमारे देश के जितना नेता हैं सब पहलवान को समझाते हैं, साहत देते हैं, कहते हैं कि पहलवान भारत के गर्दन झुके न पावे। पहलन का गीत लगल वही गीत के लाइन वही गीत हो। अरे लागल बा चुनरिया बिचवा ताग हो बिना जनले सुनले लागल बा चुनरिया हाय देखा। हमारे देश के नेता सोचते हैं कैसे बची तेसा पाके लाज हो जे सबा के पारी कैसे बची तेसा पाके लाज हो जे सबा के गांधी अंबेडकर पटेल जे प्रकाश हो Yeah.
चालू हो जाता है। हाथ मिलाया पहलवान तब खुशी का ये नार हुआ, हाथ मिलाया पहलवान तब खुशी का ये नार हुआ, हाथ मिलाया पहलवान तब खुशी का ये नार हुआ। भूजू की ताली दंगल में जबरदस्त लगा सा, भूजू की ताली दंगल में
साथी जब पहलवान चैलेंज कैलस ओकर हौसला और बढ़ गए, लेकिन देखे कहां के पहलवान जाते हैं हाथ मिलाने के लिए। देखे पचलहारी जान माला अरे रहली बुढ़ाइया देखने के लिए मेरे साथी गए थे। संग में बहीन मतारी मेहरानू भी रहलीन। चम्माई सुनलन कि अरे हमारे देश का हाई अंग्रेज वो बिलार चैलेंज करत हो। मतारी की आंख से तरतर तर प्रयाग से आंसू छिड़े लगल। मतारी कल की बेटा आज हमार बेटा श्याम रतन जवान रहता तहाई है कर हिम्मत ना रहती हमारे देश के चैलेंज कर दे। हमारे देश के एक हिम्मत दारल की चैलेंज कर दे। मेरे साथी देखे जगदम्मा पहलवान के 65 बरस उम्र हो रहा एकदम बुढ़ौती आ गए रहा, लेकिन अपने जमाने के पहलवान हो रहा है। देखे जगदम्मा पहलवान के मतारी बहिन औरत कहले का गीत लगल फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई। पवन कैसे रिकॉर्डिंग सेंटर 5 भी आप यही पर लिखल हम एक सौ सवाल पर लगी देता। जगदमा पहलवान के मतारी कहले त कहे जागा दम से कहे जागा दम से जो के बुढ़िया माई बचाई लेता राज पप्पा कहे जागा दम से रिकॉर्डिंग कैसे रिकॉर्डिंग सेंटर ए दूर रुपया 50 पैसा सवार पर लगी सब हाई के नमस्कार प्रणाम। मेरे साथी जगदम्बा पहलवान का यह कल की बेटा और धरती के ये देश के इज्जत तू ही बचा सकेगा, दूसरे के पावर ना है बेटा। मतारी कहले का ही अरे संगवा में रहली बहन दस संगवा में रहली बहन अरे माई अरे लुगाईया रखिया के भैया सिंदूरा के अरे चढ़ के लोहावा पे चढ़ के लोहावा साथ
माताजी जगदम्बा पहलवान के मतारी चली की बेटा हमरे दूध के कीमत, दूध के कीमत तो अभी जिंदगी में ना चुकौले हुआ, तोर 65 वर्ष उम्र हो तो हमरे दूध के कसम हो मेरे साथी दुलहिनिया कलश की सैया, हमरे सेंदूर के कसम हो बहिनिया छोटकी कलश की भैया, हमरे राखी के कसम हो मेरे साथी तीन परिवार आंख में आंसू लेकर रोना शुरू कर देती है, यही कहती है कि भैया जा कहीं देश के लाज इज्जत बचाला, जा कहीं पहलवान से हाथ मिलाला, अनाही तो देश के भारत के गर्दन झुक जाई। मेरे साथी लेकिन देखे जगदम्बा पहलवान सोचलन का, अरे सोच केवल का माया बाबा, आज मरी चाहे कल मरी पहले हूँ कि सोच केवल का माया बाबा, अरे आई बुढ़ाईया चानी के सिक्का पर हमके तौलियां, उस समय मेरे साथी वादा कर लेते हैं कि ठीक है हम अखाड़ा पर कुश्ती खा जाएंगे, लेकिन देखे अखाड़ा पर जब कुश्ती के समय चढ़ले हमन न गोटा गोटा एकदम कस के सोचलन, उस समय का गीत लगल एक भोजपुरी गीत, वही गीत हो, अरे न कर रहनिया देखी, कर रहनिया देखी, और जीवा जाल जारी बोकवा बोलत नहीं के, मुआ बोलत नहीं के,
तनो देखाई आरी आरी ये गीत देखा लो बन समात रिया सुजन की गीता हम ही के कहते हाँ कहेगा कहीं लाइन इस सब है कोई गीत गावे लाइन कोनो गलती बात ना हो ये भोजपुरी के गीतों भले गवैया बदल के गावा चाहे अपन लाइन धरा के गावा कि गीता हमके बुखवा बनाओ थी नहीं तनि हाई बिरहा के बात सुना जगदम्बा भगवान मेरे साथ या खड़ा पर चढ़ते हैं सोचते क्या है अरे सोचे जगदम्बा हमके सोचे जगदम्बा हमके अरे देश सही का कही है जरा भागी चाहिए जरा भागी चाहिए ना हरी हो झंडा ना झुकिए ¡Gracias!
जगदम्बा पहलवान बोला मत, जगदम्बा पहलवान सिनावा पर चढ़ के कहलन की कहो मामा हाल चाल ठीक ना हो, मजा आवत हो। जगदम्बा पहलवान कहलन की कहो कैसन दिमाग हो, हाल चाल कैसन हो मेरे साथी अंग्रेज अपने मन में कहो। अरे मुआई करे सारे छोड़ दो ना हमे, कहलन की यार सुना भारत के 2200 प्रांत अब चले नहीं देबा। मेरे साथी देखे अब यहाँ राजनीति होता है, अंग्रेज जगदम्बा पहलवान को अलग कर देते हैं, ऊपर पहलवान को अलग कर देते हैं, कुश्ती को नहीं मानते हैं अंग्रेज, कहते हैं कि एक कुश्ती को नहीं माना जाएगा, फिर दोबारा कुश्ती होगा। देखे बिरा में टेरी के भाव आप भैल का, अरे होलाद बन गई, अरे बुढ़ाई होलाद बन गई, तो जवानी जा गुठी जंग दिखा दिया मर भैया यार मर भैया यार।
रिटायरिंग सेंटर पांच व्याप देखे गलती बात ना हो जैसे प्रधानी के सुना अभी उत्तर प्रदेश में चला रहा प्रधान बने मत मऊबियो सब उठ गई नाच कि हम प्रधान बनम हम प्रधान बनम एगो बूढ़ प्रया रहा उनके घर पर पपोहिए उठ गए लड़का कुल छुटकारी करके पूछल किए दादा बतावा क्या उठा ला तुहरे घरे बूढ़ पुरानी आदमी कर बछवा कहा कही हमार छुटकी पपोहिए उठ गए लड़का वाले कुल साथी संगली पूछल कहे साथी अरे प्रधानी के चुनाव चलल हो तुहरे घरे क्या उठा लो लड़का बड़ा मेहरा के बोल करस की बतहूं में तो शर्म लगत हो ऐसे पिए कर अर्थ जहाँ पहुंची बा तहाँ पहुंच जाइए लेकिन अर्थ वाली कोनो बात ना हो एक जगह वाली बात हो लड़कवा करस की मुझे कहा करी साथी टिंकुआ के मैं ये उठ गल ये बड़ा परेशान हम ही लोगन तनि भाई जिता दिया हो के भसुर ला पूछल गल भसुर कहा कि छोटका भावा के मौगी उठ गल ये सास ले पूछल गल ये बात और कोनो बात ना हो गलती बात ना ये देखे पवन इलेक्ट्रॉनिक एन कैसे रिकॉर्डिंग सेंटर सिधारी छे रोना पार लाड़गर से दूर का भैया सोसवर ए भैया हाय कन्या ले के मेरे भाई भाई का हो समझे वाली बात हो अरे कुला नहीं फूला बा भाई समझ ला कुछ ही खत्म हो जाता है अंग्रेजी इनाम देने के लिए ले जाते हैं पहलवान को जगदम्बा पहलवान को अंग्रेज ले जाते हैं बढ़िया से सेवा सत्कार कैला लेकिन कैले के बाद इनाम थमाते हैं दो अंग्रेज जाते हैं एक अंग्रेज इनाम देता है एक अंग्रेज दूसरा अंग्रेज पीछे से जाके जगदम्बा पहलवान के मेरे साथी गोली मार दे देखे जगदम्बा पहलवान को गोली लगा है उसी समय दम को नहीं तोड़ते है जगदम्बा पहलवान मतारी की आंख से तर 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 आंख से आंसू चलत है कि बेटा ये दुनिया के छोड़ के चल गिला के हम बेटा कहा आ के उमाई कहन बहन रोत इनकी भैया चल गए दुनिया के छोड़ के साले भर के बाद राखी के रक्षाबंधन आई के हमें गांव में बांधी जाए औरतिया मेरे साथी आप प्यासु ले करें कि हमारे सिंदूर के हमार दुनिया से सिंदूर चल गए लेकिन देखे जगदम्बा पहलवान कब दम को तोड़ते हैं एक बात कहकर दम को तोड़ते हैं कहते क्या है तजादिन मिली आजादी भारत के लेके माई बहन पतनी चलली अरथिया आ गई ना ये समस्या न मा पर देसवा के थतिया ओ देख जुर्म यार अंबर के तारी तो झंडा मर समाधि पला
पत्तू 15 अगस्त के 6 बार झंडा हुआ फहराला। अरे काशी बुल्लू सुखना नर क्या गाता है अमर का भाला। भैया फौलाद बन गई, बुढ़ैया फौलाद बन गई, तो जोकर